हमारा टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हम यूज करते हैं साइकिल डिटेक्शन के लिए ग्राफ के अंदर। हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा है, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में भी हमें साइकिल डिटेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें किसी एज को डिस्कार्ड करना पड़ सकता है अगर वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड करने के बाद साइकिल बना रही होगी। तो हम डिसजॉइंट सेट देखते हैं कि ऐसे काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं, S1 और S2। S1 में तीन वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, और S2 में चार वैल्यूज हैं, 4, 5, 6, 7। अगर मैं S1 और S2 का इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा। ऐसे कोई भी सेट्स जिनके बीच में इंटरसेक्शन करने पर आपको एम्प्टी सेट मिले, उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। हम इनके ऊपर दो ऑपरेशंस करेंगे, एक फाइंड ऑपरेशन और दूसरा यूनियन ऑपरेशन। तो जैसे अगर हमें लिखना है फाइंड टू, तो इसका मतलब हुआ फाइंड टू इन एनी ऑफ द सेट्स अवेलेबल एंड रिटर्न इन विच सेट इट इज अवेलेबल। सो क्या यहाँ पे टू है? यस, टू इज हियर, सो फाइंड टू इज इन S1। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं फाइंड सिक्स, तो हमें पता चलेगा क्या यहां पे सिक्स है? नो। क्या यहां पे सिक्स है? ओके, सो हियर इट इज सिक्स। सो यहां पे ये S2 के अंदर सिक्स है। अब यूनियन हमें तब करना पड़ता है जब हमारे पास दो वैल्यूज को फाइंड करने के बाद उनके डिफरेंट सेट्स आ रहे हो। यूनिवर्सल सेट को छोड़कर अगर हमारे पास दो वर्टिसेस किसी अलग-अलग सेट में आ रहे हैं तो हम यूनियन करेंगे, और अगर वो एक ही सेट में आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट को छोड़कर, तो हम मान लेंगे कि वो साइकिल बना रहे हैं। तो यूनियन मतलब क्या हुआ? यूनियन ऑफ S1, S2 और S1 यूनियन S2 विल गिव यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये यूनियन हो जाएगा। इसको एक ग्राफ की हेल्प से देखते हैं। ये हमारे पास वही ग्राफ है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था और जिसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट 37 आया था। हमारे पास ये टेबल है जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है अकॉर्डिंग टू एज के वेट से। हमने ये वाली एजेस को इंक्लूड किया था और ये जो क्रॉस वाली एजेस हैं इनको हमने एक्सक्लूड किया था बिकॉज दे वर क्रिएटिंग साइकिल। तो अभी हम यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में सारी वर्टेसेस को रख देते हैं, और अगर कोई वर्टेक्स यूनिवर्सल सेट में है तो हम उसका एक अलग से सेट बनाएंगे, और अगर कोई वर्टेक्स दूसरे किसी सेट में है और एक और वर्टेक्स किसी और दूसरे सेट में है या यूनिवर्सल सेट में है, तो हम उनका यूनियन करेंगे। लेकिन अगर कोई वर्टेसेस हमारे पास यूनिवर्सल सेट को छोड़कर किसी एक ही सेट में मिलती हैं, तो हम बोलेंगे कि वहां पे साइकिल है। इसको डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां पर हमारे पास सबसे पहले E7H है जो 7 और 6 दो वर्टिसेस में है। तो फाइंड 7 इट इज इन यूनिवर्सल सेट, फाइंड सिक्स इट इज इन यूनिवर्सल सेट। सो आई विल मेक अ न्यू सेट S1 हैविंग 6 एंड 7, और मैं इनको यहां से हटा दूंगा। साथ ही साथ मैं एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री भी बनाते हुए चलता हूं जिसमें 6 और 7 को मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एज है हमारे पास E6 जो 6 और 5 वर्टेसेस से बनती है। तो क्या 6 हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है? नो, इट इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड। क्या S1 में है? यस, सो एक सेट है S1, और 7 को फाइंड करेंगे तो 5 को फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में मिलेगा, और हम यहां से 5 को हटाएंगे और इसका यूनियन कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि दो अलग अलग सेट्स में है। तो हमें यहाँ पे नया सेट मिलेगा 6, 7 एंड 5। ये वाला अब सेट नहीं बचा है और हमने यहाँ पे 5 को भी इंक्लूड कर दिया।
तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि जब हमने यूनियन किया है तो ये इन्हीं के साथ में ज्वाइन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट एज है जो 2 और 8 से बनती है, तो फाइंड 2 इट इज इन यूनिवर्सल सेट, फाइंड 8 यूनिवर्सल सेट। आई विल क्रिएट अ न्यू सेट S2, ये S1 है, न्यू सेट S2 हैविंग 2 एंड 8। तो मैंने एक 2 एज बनाई और 2 और 8 की एज बनाई जिनका वेट है 2। आप देखिए ये क्योंकि इनसे कनेक्टेड नहीं है, ये अलग सेट है और ये अलग सेट है, इसीलिए मैंने यहां पे भी अलग अलग सेट बनाया है। और थ्योरेटिकली भी अगर आप समझेंगे तो इसके साथ 2 और 8 अभी यहां पे मैच ही नहीं हो रहे हैं। पहले हमने 5 को यहां यूनियन इसलिए किया था क्योंकि इसके साथ में 6 का कोई मैच था, 5 और 6 एक साथ रहने वाले थे। जब हमने सबसे पहले 6 और 7 को ऐड किया था तो 6 और 7 का भी कोई मैच नहीं था किसी के साथ, तो हमने अलग सेट बनाया था S1, 6 और 7। उसी तरह से 2 और 8 का हमने अलग सेट बनाया है। आगे आगे देखते जाइए, आपको ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट हमने एज देखी है 2 और 5। तो 2 हमारे पास यूनिवर्सल सेट में अब नहीं बची है क्योंकि हमने उसको कंज्यूम कर लिया है, 8 को भी कंज्यूम कर लिया है। 2 हमारे पास कहां पे है, फाइंड करेंगे तो S2 में। फिर 5 हमने सर्च किया तो वो किस में है, S1 में। तो जब भी हमें दो वर्टिसेस अलग अलग सेट में मिलती हैं तो हम उनका करेंगे यूनियन। तो S1 यूनियन S2 करने के बाद हमें मिलेगा 6, 7, 5, 2 एंड 8। तो ये एक नया सेट बन गया। अब ये दोनों सेट नहीं बचे और मैं इसका नाम एक नया नाम दे देता हूं, लेट से S12। और हमने 2 और 5 को कनेक्ट भी कर दिया वेट 4 के साथ। तो देखिए यूनियन यहां पे हमने किया तो ये वाला और ये वाला आपस में भी यूनियन हो गए एक एज से ऐड होकर। तो अभी तक हमने ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया और ये भी इंक्लूड किया। नेक्स्ट है 1 और 0। तो फाइंड 1, तो हमें 1 यहां पे मिला, 0 यहां पे मिला यूनिवर्सल सेट में। दोनों यूनिवर्सल सेट में है तो हमने एक नया सेट बनाया S3 और उसमें 1 और 0 को रखा और 1 और 0 को हमने अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड कर दिया। नेक्स्ट दिस इज इंटरेस्टिंग। नाउ वी हैव 8 एंड 6, वर्टेक्स 8 एंड वर्टेक्स 6। सो फाइंड 8, सो 8 इज इन S12, ये रहा। फाइंड 6, इट इज इन S12। बोथ द वर्टिसेस बिलोंग्स टू सेम सेट। इफ आई ट्राई टू ऐड द एज हैविंग 8 एंड 6, इट विल क्रिएट अ साइकिल। यहां पे एक साइकिल बन जाएगी। सो 6 एंड 8 फाइंड करने पे हमें एक ही सेट मिला S12। तो हमने क्या किया, इस वाली एज को डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह से हम साइकिल डिटेक्ट करते हैं डिसजॉइंट सेट्स का यूज करके। नेक्स्ट एज है 2 और 3, फाइंड 2। तो 2 हमें मिला कहां पे, फाइंड 2, 2 इज हियर, ओके। सो S12 एंड नेक्स्ट इज 3, सो 3 3 3 3 इज हियर। सो ये कंज्यूम हो चुके हैं, 3 इज हियर। सो आई विल टेक दिस आउट एंड यूनियन इट विद दिस। सो हमारे पास नया सेट हो जाएगा, मैं इसको नाम दे देता हूं S4 और क्या बन जाएगा ये 6, 7, 5, 2, 8 एंड 3। मैंने इसको अब कंज्यूम कर लिया है पूरा। तो 3 हमने एक वर्टेक्स ऐड करी और इसका वेट हमने ऐड कर दिया है 7। तो अभी हमारे पास दो सेट्स हैं S3 और S4 और हमारे पास ये उसमें वैल्यूज हैं। नाउ नेक्स्ट एज इज 7 एंड 8, फाइंड 7, 7 इज इन S4, सो हियर। फाइंड 8, 8 इज इन सेम सेट। अगेन इफ आई टेक दीज 7 एंड 8, दिस एज 7 एंड 8, इट विल क्रिएट अ साइकिल बिकॉज बोथ द वर्टिसेस बिलोंग्स टू सेम सेट। तो यहां पे भी देखो आप, 7 और 8 को अगर मैंने ऐड किया तो ये एक साइकिल बना देगा, इसीलिए इसको क्या किया है, डिस्कार्ड। नेक्स्ट 1 एंड 2,
सो फाइंड वन, वन इज हियर, फाइंड टू, टू इज हियर, सो अगेन यूनियन, इन दोनों का यूनियन कर दीजिए और हमने लेट से यूनियन करके एक नया सेट बनाया एस थ्री फोर वन जीरो सिक्स सेवन फाइव टू एट एंड थ्री, तो ये और ये दोनों यूनियन हो चुके हैं और हमारे पास नई एज कौन सी ऐड होगी, वन एंड टू, तो ये यहां पे ऐड हो गई है जिसका वेट है एट, सो दिस इज एडेड। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज जीरो एंड सेवन, सो जीरो बिलोंग्स टू एस थ्री फोर, सेवन बिलोंग्स टू एस थ्री फोर, बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, सेम सेट, सो दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग एन एज साइकिल, सो वी विल डिस्कार्ड इट। नेक्स्ट थ्री फोर, सो थ्री, फाइंड थ्री, थ्री इज हियर इन एस थ्री फोर, फाइंड फोर, फोर इज हियर इन यूनिवर्सल सेट, सो वॉट वी विल डू इज यूनियन इट विद फोर, आफ्टर दिस इट विल बी न्यू सेट, लेट से नाम थ्री फोर ही रखते हैं, वन जीरो सिक्स सेवन फाइव टू एट एंड थ्री फोर, सो ये सेट हट गया और अब ये सेट बन गया है, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं नई एज, थ्री एंड फोर, सो हमने यहाँ पे एक नई वर्टेक्स बनाई फोर जिसका वेट कितना है नाइन। नाउ नेक्स्ट दिस इज इंक्लूडेड, फाइव एंड फोर, फाइंड फाइव, फाइव इज हियर, फाइंड फोर, फोर इज हियर, बिलोंग्स टू सेम सेट, डिस्कार्ड, वन सेवन, फाइंड वन, वन इज हियर, फाइंड सेवन, सेवन इज हियर, सेम सेट, डिस्कार्ड, थ्री फाइव, थ्री इज हियर, फोर इज हियर, बोथ बिलोंग्स टू सेम सेट, डिस्कार्ड, सो ऑल दीज एजेस आर डिस्कार्डेड। नाउ यू कैन सी दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री विच वी हैव क्रिएटेड फॉर दिस ग्राफ इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो, सो दिस इज हाउ our disjoint set works. Now in the next video I will show you how to implement it using graphical representation, how to implement it using two arrays or one array. We will see that in next video. Thank you.